नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, और हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस सेट की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको पता है कि UP TGT, HTET और HTET के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड प्लेलिस्ट में जाके ओल्ड वीडियोस को जरूर देखें दोस्तों, पूरा पूरा देखा करें, ताकि आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है आइडिया लग सके कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप इस हिसाब से तैयारी कर सकिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कौन सा टॉपिक आपका तैयार है, कौन सा नहीं तैयार है। तो इन सभी चीज़ों का इवैल्यूएशन आप इस प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, एंड इट इज़ आस्किंग दैट लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है। और सभी को पता है दोस्तों कि अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 4.0 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन के मॉलिक्यूल से। और इसी तरह देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए पूछा जाए तो उससे भी हमें 4.0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम फैट के मॉलिक्यूल से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.1 KCL कैलोरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, देखिए हठ योग के अंतर्गत आते हैं। ये राजस्थान ग्रेड 3 में लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, और दोस्तों इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर अलग अलग बुक्स में मिलते हैं, तो आप भी इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कई जगह इसका आंसर जो है वो कर्म योग भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शवासन के लाभ हैं, तो क्या लाभ होते हैं शवासन के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यह शिथिलता प्रदान करता है। ओके, यह शवासन के लाभ यह है कि यह शिथिलता प्रदान करता है, और सभी आसनों के अंत में जो किया जाता है मेनली वो शवासन है, और ब्लड प्रेशर जैसे डिसीजेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राणायाम कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कुंजल जो है वो प्राणायाम में नहीं आता। इसके अलावा देखिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम एवं उज्जयी जो है उज्जयी, ये प्राणायाम में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना एक अच्छे ट्रेनिंग पीरियड का मेन लक्ष्य होता है। जो एक ट्रेनिंग पीरियड का जो ट्रेनिंग का जो संबंध होता है वो किससे होता है, गलतियों को ढूंढना और सुधार करना और परफॉर्मेंस को जो है अच्छा बनाना, यही लक्ष्य होता है एक ट्रेनिंग का। नेक्स्ट, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, विस्फोटक शक्ति यानी कि ताकत की जरूरत होती है लंबी कूद में। आप सभी को पता है दोस्तों, पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए, लेसन प्लान की भाषा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही विधिपूर्वक और संबंधित होनी चाहिए, यानी कि सिंपल और विधिपूर्वक और साथ ही साथ रिलेटेड होने चाहिए। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप बताने जा रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक चूज किया है पढ़ाने के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए, जो स्किल आप बताना चाहते हैं उससे पूरी तरह से संबंधित होनी चाहिए लेसन प्लान की भाषा, तभी वो एक इफेक्टिव लेसन प्लान होगा और आपकी क्लास को भी उतना ही इफेक्टिव बनाएगा। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया, और बात की जा रही है कि जब प्राचीन जो ओलंपिक थे वो बंद कर दिए गए थे, और फिर आधुनिक ओलंपिक खेल जो है फिर से स्टार्ट किए गए 1896 में बैरन पीरे दी कुबर्टिन जी के द्वारा, तो फिर इनको एकमात्र उद्देश्य से किस उद्देश्य से इन्हें फिर से एक बार पुनर्जीवित किया गया दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रों के बीच सौहार्द समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। दिस इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट ग्रीष्म ओलंपिक 2000 के खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो आपको पता है दोस्तों, सिडनी 2000 ओलंपिक में ओलंपिक जो है वो कहाँ पे
2000 ओलंपिक जो है वो सिडनी में आयोजित किए गए थे। बात की जा रही है 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था किसका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, फुटबॉल। नेक्स्ट, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या बढ़ाने के योग्य होता है, यानी कि सबसे ज्यादा किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, क्लास फर्स्ट लिवर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बल तथा गति दोनों को बढ़ाने में फर्स्ट श्रेणी लिवर का यूज किया जाता है। पहले ही हमने आपको बता दिया है फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर एवं थर्ड क्लास लिवर, थ्री टाइप्स के लिवर पाए जाते हैं। गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जाना जाता है, तो गति के तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के रूप में जाना जाता है, जो कि न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। गति के तीन नियम, पहला नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का नियम, और तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों, आप रिलेटेड क्वेश्चंस को भी साथ साथ पढ़ते चला कीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम वही रिपीट नहीं होता, उससे जो रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको तैयार करते हुए चलना है। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टॉक्सटोस के रूप में इन्हें जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट, कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, धूप सेकना। इससे किसी भी प्रकार ये जो है ये खेल और आनंद में नहीं आता, यानी कि ये एक प्रकार का खेल नहीं है, कौन से प्रकार का जो खेल है वो काम और आनंद में नहीं आता, तो ये जो है एग्जाम्पल ये सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का सक्रिय स्थान कौन सा है, तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति यानी कि प्रोलाइन अवस्था में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट को पूरा पूरा सॉल्व जरूर किया कीजिए। निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है, सबसे पहले तो आप देखिए कि कौन से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, वह एक अनन्य शासक होना चाहिए, ये एक अच्छे नेता के गुण नहीं होते। इसके अलावा देखिए कि एक अच्छे नेता के जो गुण है वो है कि वो ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधकर्ता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग आसनों द्वारा निम्नलिखित शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित किया जा सकता है, तो लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बास्केटबॉल से इसका संबंध है। फुटबॉल से संबंधित टर्मिनोलॉजी कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी फ्री किक। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है, यानी कि शब्द, जो शब्द उनसे संबंधित हैं, जो स्किल्स उनसे संबंधित हैं, उनसे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं, तो इनको भी आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 120/80। और ये भी पूछा जा सकता है कि 120 जो है वो कौन सा है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 जो है वो कौन सा है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्प्लीन। जी हाँ दोस्तों, ब्राइट्स डिसीज से मनुष्य की स्प्लीन प्रभावित होती है, एंड नील शिशु रोग मनुष्य के हृदय को प्रभावित करता है, जबकि देखिए जिसकी बात की गई है यहाँ पे, तो ये कौन सा है कि ये स्प्लीन को प्रभावित करता है, ब्राइट्स डिसीज जो है। देन हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है, हिस्टीरिया यानी वातोत्पाद की बात यहाँ पे की जा रही है, तो किस कैटेगरी में इसे शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी एडल्ट्स जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, जॉन सॉल्क ने 1954 में पोलियो के टीके की खोज की थी। ओके, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, तो विटामिन के
के कारण ही रक्त का थक्का जम जाता है जब कभी ब्लीडिंग होती है तो, और एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो हमारे शरीर से नहीं निकलता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सभी को पता है दोस्तों कि जो भी हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है और उसे सिंपल पार्ट्स में तोड़ने की प्रोसेस को ही डाइजेशन यानी कि पाचन के रूप में जाना जाता है, और कार्बोहाइड्रेट सुगर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, जो प्रोटीन है वो एमाइनो एसिड में, और फैट जो है वो फैटी एसिड में टूट जाते हैं छोटी आंत में। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टेबल टेनिस। नेक्स्ट, गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कई व्यक्ति एक साथ खेलते हैं इसमें गोल्फ में, तो आप पर्टिकुलर खिलाड़ियों की संख्या अगर पूछी जा रही है तो ऐसा नहीं बता सकते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड। जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या जो लोग काफ़ी दिनों बाद वर्कआउट करते हैं तो उनमें क्या होता है कि मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से थकान का अनुभव होता है, और काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करने से भी मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में या कमी में जो है लैक्टिक एसिड बन जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं साधारण मनुष्य में, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, EEG के द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जा सकता है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कौन से वर्ष में कराए गए थे? तो नंबर वन देखिए कि पहली बार भारत में एशियन गेम्स का आयोजन 1951 फर्स्ट एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था, और सेकेंड टाइम देखिए 1982 में दूसरी बार न्यू दिल्ली में भारत में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 1982 में जो एशियन गेम्स हमारे भारत देश में दूसरी बार आयोजित किए गए थे तो वो कौन सा एडिशन था एशियन गेम्स का। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और डिसीजेस से बचाती हैं वाइट ब्लड कॉर्पल्स। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। एड्स का कारण निम्न में से क्या है? तो वायरस, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस इज करेक्ट आंसर, जो कि एड्स फैलाता है, और एड्स का फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, AIDS यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम इज करेक्ट आंसर। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो ये हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये डायबिटीज को यानी कि ब्लड शुगर लेवल को हमारे शरीर में कंट्रोल करता है। खेल शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सभी यानी कि इससे शरीर का विकास होता है, इससे मानसिक शांति प्रदान होती है और इससे सहन शक्ति बढ़ती है। तो उपरोक्त सभी के लिए जो है खेल की आवश्यकता होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा, शतरंज से नायडू ट्रॉफी का संबंध है। नेक्स्ट, भारत की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट में किसने सबसे अधिक शतक लगाए हैं? तो नन अदर वन यानी कि कोई दूसरा नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ही वो महान पर्सनालिटी हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाए हैं भारत की ओर से। किसके नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप 2011 का विश्व कप जीता था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, और आपको पता है करेक्ट आंसर कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दूसरी बार भारत ने 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि फर्स्ट टाइम इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार कप जो है वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था और किसकी कप्तानी में किया था। आप इन वीडियो को देखने के साथ साथ दोस्तों इन क्रॉस क्वेश्चंस का आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, टायरोसिन इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज जो कि होमवर्क क्वेश्चन भी है।
तो ये आपको इसको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये आपको बताना है यहाँ पे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।